इस वक्त की एक बड़ी खबर मुंबई को लेकर है और उसके बाद हम लौटेंगे बातचीत के लिए। मुंबई के एक हाई राइज बिल्डिंग को लेकर अपडेट मिल रही है, भीषण आग लगी है मुंबई की इस हाई राइज बिल्डिंग में। फायर ब्रिगेड की इस वक्त कई गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद है। परेल इलाका जिसकी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुमंजिला इमारत जिसमें आग कितनी भीषण है, धुएं का गुबार इस वक्त आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है और रिहायशी बिल्डिंग ये बताई जा रही है, हाई राइज बिल्डिंग जिसमें आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। परेल इलाका है ये मुंबई का, ये रिहायशी बिल्डिंग है, बहुमंजिला इमारत जैसा कि तस्वीरों में आपको नजर आ रही है और काले धुएं का गुबार यानी कि ये आग फैलती भी जा रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने में जुटी हैं फायर ब्रिगेड की ये गाड़ियां। अश्विनी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अश्विनी, इस हाई राइज बिल्डिंग में जो भीषण आग लगी है, अभी का क्या स्टेटस है, ये आग फैल रही है काबू में? जी देखिए, 19वीं मंजिल पर ये आग लगी है और क्योंकि 60 मंजिला इमारत है, ऐसे में आग बुझाने में भी दिक्कत आ रही है। 19वीं मंजिल पर आग लगने की वजह से फायर ब्रिगेड को वहां तक पहुंचकर आग को कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी होगी। आग अभी तक सिर्फ 19वीं मंजिल पर है, लेकिन जल्द से जल्द इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आग आगे भी बढ़ने की संभावना रहेगी। फिलहाल 8 से 10 गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची हुई हैं फायर ब्रिगेड की। फायर ब्रिगेड के पास जो हाई लेडर हैं, जो हाई राइज बिल्डिंगों में आग लगने पर बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उस गाड़ी को भी मौके पर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। इस बिल्डिंग में कुछ लोग जो है रह रहे हैं, वो ऊपरी मंजिल पर फंसे हैं। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है आग बुझाने के साथ साथ उन्हें जो है सुरक्षित नीचे उतार लिया जाए, और जो लोग 19वीं मंजिल से नीचे हैं वो नीचे की तरफ पहले से ही आ रहे हैं। जी, तो नीचे रहने वाले लोग 19वीं मंजिल से सेफ बताए जा रहे हैं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए उनके किस तरह के प्रबंध वहां पर किए गए हैं? क्योंकि जैसा अश्विनी तस्वीरों में हम देख रहे हैं, काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है और आग फैलती हुई भी दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए काले रंग का पूरा गुबार जो है इस वक्त वहां पर है। 60 मंजिला होने की वजह से जैसा मैंने बताया कि आग को कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी, लेकिन क्योंकि फायर ब्रिगेड के पास तमाम ऐसे संसाधन हैं जिसके जरिए जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। नए नियमों के आधार पर हर 8वीं मंजिल के बाद एक रिफ्यूजी एरिया जो है बनाया जाता है, खासतौर पर जो हाई राइज बिल्डिंग होती है वहां पर इसका बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो अगर सही होंगे। अश्विनी, कितने लोग फंसे हो सकते हैं, कोई इसे लेकर जानकारी मिल पाई है क्या? अधिकारी कोई मौके पर इस वक्त हैं? देखिए अधिकारी मौके पर हैं, लेकिन कितने लोग हैं ये अभी आंकड़ा बता पाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि इसमें लोग रहने के लिए आ गए थे, कितने लोग अभी तक जो है रहने के लिए इसमें आए हैं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जरूर कुछ लोग ऊपरी मंजिल पर हैं, निचली मंजिल पर भी कुछ लोग हैं, लेकिन चूंकि 19वीं मंजिल पर आग लगी उससे नीचे जो लोग हैं वो आसानी से बाहर आ गए हैं, लेकिन ऊपरी मंजिल पर जो है उन्हें जो है सेफ्टी के साथ वो नीचे आ जाए ये पूरी कोशिश फायर ब्रिगेड की है फिलहाल। ठीक, अश्विनी जरा रहिएगा, खबर बता दे, 60 मंजिल की इमारत बताई जा रही है जिसमें 16वीं मंजिल पर इस वक्त ये आग लगी है और 16वीं मंजिल से जो नीचे लोग रहते हैं वो अभी सेफ जोन में है, लेकिन ऊपर कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। फायर ब्रिगेड की इस वक्त कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, ऑफिसर्स अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आपको आग फैलती हुई भी नजर आ रही है, धुएं का गुबार तो है ही, 19वीं मंजिल से लगातार ये लपटे उठ रही है, आग फैल रही है और सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए और दूसरा जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। अश्विनी, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि आग कैसे लगी? जी अभी ये जानकारी नहीं आई है, उम्मीद है कि जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा उसके तुरंत बाद ये आधिकारिक तौर पर जानकारी आएगी, लेकिन शुरुआती जो जानकारी शॉर्ट सर्किट, ऐसी इमारतों में इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं, हाई राइज इमारतों में इस तरह की जो है चीजें अक्सर मिलती हैं जहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की पूरी संभावना होती है। हालांकि ये अभी कहना वजह क्या है ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर जो फायर ब्रिगेड अधिकारी हैं वो आग बुझाने और लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकालने के काम में लगे हैं। आग बुझने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है वो ये कि आग लगी कैसे, उसका पूरा आकलन किया जाता है ताकि भविष्य में वैसा जिस किसी भी इमारत में ऐसी घटना होती है भविष्य में वैसा ना हो, इसका पूरा संज्ञान लिया जाए। अश्विनी, स्पॉट पर किसी तरह का अभी पैनिक भी है क्या? और दूसरा, इस बहुमंजिला इमारत के आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं क्या उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक जो वहाँ मौजूद अधिकारी हैं उन्होंने दिए हैं वहाँ रह रहे लोगों के लिए? जी देखिए, आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वो बहुत छोटी हैं, 3 से 4 मंजिला, साथ ही कुछ चौल, क्योंकि ये साउथ मुंबई का इलाका है, कुछ चौल हैं वहाँ पे छोटे छोटे, वहाँ पर
इस आग की लपट की वजह से या अगर ऊपर से जलकर कुछ गिरता है ऐसी कोई स्थिति ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो अगल बगल की छोटे छोटे बिल्डिंग हैं उनमें से लोगों को जो है बाहर निकल के रहने के लिए कहा गया है, ताकि अगर आग बुझाने के दौरान या फिर आग अगर ज्यादा विकराल रूप लेती है और बिल्डिंग से कुछ जलकर नीचे गिरता है तो उससे कोई चीज क्षतिग्रस्त ना हो, कोई उसकी चपेट में ना आए, इसका संज्ञान लिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पे रहने के लिए कहा गया है जब तक आग पूरी तरह से काबू में नहीं आ जाती। क्या क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी इस बिल्डिंग से बाहर निकले हो अश्विनी, जिनसे कोई जानकारी मिल पाई हो? कोई हर्ट तो नहीं हुआ है, किसी को हॉस्पिटल ले जाने की अभी तक जरूरत तो नहीं पड़ी है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन स्पॉट से अभी तक पहुंच पाई है आपके पास? जी, अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनके मुताबिक अभी तक कोई इंजरी की रिपोर्ट नहीं है। अभी कुछ मिनट पहले ही आग लगी है तो कोशिश है कि आग पर काबू पाने की, इसके बाद जो इंजरी रिपोर्ट अगर कोई हुई होगी तो उसकी उससे जुड़ी डिटेल भी साझा की जाएगी। देखिए अभी अश्विनी तस्वीरें आई है, जरा आपको रोक रही हूँ, थोड़ा ये जूम व्यू है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पे। आग कितनी तेज लगी है इसका आप अंदाजा लगाइए, और धुआं लगातार उठता जा रहा है। इसी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जो लोग फंसे हैं, क्योंकि 60 मंजिला ये इमारत है, बहु मंजिला इमारत, जिसमें 16th फ्लोर जो कि आग की जद में इस वक्त आया हुआ है, 16वां ये फ्लोर बताया जा रहा है जिस पर आग कितनी तेजी के साथ फैल रही है, ये भी आप समझिए। हालांकि 60 मंजिला इस इमारत में कितने लोग अभी रह रहे थे, रिहायशी बिल्डिंग है, जाहिर बात है कुछ मकान खाली भी होंगे, और 16वें मंजिल से जो लोग ऊपर की तरफ रह रहे हैं अभी उसमें कुछ लोग फंसे भी होंगे, तो सबसे पहले उनको बाहर निकालना है, और उनको निकालने के साथ साथ आग बुझाने की कोशिश और तेज करनी होगी, क्योंकि ये आग लगी हुई है, 60 मंजिला बिल्डिंग है, ये रिहायशी इमारत है, भीषण आग लगी है। कुछ और अपडेट अश्विनी अभी तक अगर आप तक पहुंची हो? जी देखिए, आग बुझाने के लिए जो हाई लेडर है वो पहुंच चुका है, मुंबई के परेल इलाके में आग लगी है, और वहां से थोड़ी दूर पर जो फायर ब्रिगेड का दफ्तर है, जो मुख्य दफ्तर है फायर ब्रिगेड का, वो भाईखला इलाके में, वहां से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में, और जो सबसे बड़ा लैडर है मुंबई फायर ब्रिगेड के पास, उसे यहाँ मूव किया गया है, ताकि जो क्योंकि हाई राइज इमारत है, ऐसे में सबसे बड़े लैडर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, ताकि 19वीं मंजिल पर आग को काबू में लाया जा सके। अश्विनी, हाई राइज बिल्डिंग में अगर इस तरह से आग लग जाती है तो जाहिर बात है कि आग को काबू में करने के लिए मशक्कत तो बहुत करनी पड़ती होगी, लेकिन 60 मंजिला इमारत में क्या चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है आग को काबू में करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है वहां तक फायर ब्रिगेड के लोगों को पहुंचाना, क्योंकि ये पहला प्रोटोकॉल होता है कि जब भी किसी इमारत में आग लगे तो वहां के लाइट सब कुछ काट दिए जाते हैं, आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 19वीं मंजिल पर आपको काबू में करने जाने के लिए जो फायर ब्रिगेड के जो जवान है ये 19वीं मंजिल तक उन्हें जाना होगा, इसके अलावा जो लैडर्स हैं उसका इस्तेमाल करना होगा। यही वजह है कि ऐसी हाई राइज इमारतों में आग पर काबू पाने में मुश्किल आती है। खास बात यह है कि नियमों के अनुसार हर 7 से 8 फ्लोर ठीक है। अश्विनी, नजर इस पर बनाए रखिएगा, अभी की अपडेट यह है कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, आग बुझाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं, और बहु मंजिला इमारत जिसमें भीषण आग लगी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।